अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम सर जी, आपका नाम, आप मुझे ये बताएं कि आज आपकी सेफ्टी ट्रेनिंग थी, आपने क्या सीखा है? हाँ जी हाँ जी सर, सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में हमने आज सीखा है कि कोई भी प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी एनी टाइप ऑफ हैजर्ड है, उसको हमने कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे हमने उसको अपने आप को सेव करना है, अपने आप को सेव करना है, हम अपनी गैदरिंग को सेव करना है, अपने जो आसपास हमारे पीपल्स हैं उनको कैसे सेव करना है, ये हमने सीखा है। फर्स्ट एड के बारे में हमने सीखा है और फायर एक्सटिंग्विशर कैसे हमने यूज़ करना है इसके बारे में हमने सीखा है आज जी। तो आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। मेरा नाम अब्दुल रऊफ है, ठीक है। आई हैव डन माई डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग, आफ्टर डैट आई हैव कम्प्लीटेड माई बैचलर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये ट्रेनिंग कैसी रही? ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही, इसमें बहुत हमने बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप थैंक यू, आप बताएं अपना इंट्रोडक्शन और सब कुछ बताएं आज के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, तो मेरा नाम हसीब है, मैं यहाँ पे लाउड बोलना है, मैं यहाँ मेरा नाम हसीब है और मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लैब में लैब असिस्टेंट हूँ, ठीक है। तो आज हमारी ट्रेनिंग हुई है, तो ट्रेनिंग में हमने सेफ्टी के बारे में जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं कि सेफ्टी किस तरह से हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस किस तरह के डेंजर्स हो सकते हैं, रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हमने किस तरह से कवर करना है, किस तरह से अपने आप को सेफ करना है, किस तरह से अपने इन्वायरमेंट जो दूसरे आपके साथ दोस्त हैं उनको किस तरह से करना है, तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी। थैंक यू। डिपार्टमेंट आज जनरल हम लोगों ने सीखा कि हैजर्ड अगर आता है तो उसको हम एज ए कॉमन पर्सन कैसे डील कर सकते हैं, और कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी आज मिली कि फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर, आगे देते हैं सर, आप बच गए हैं, आपने नहीं लेना है ना। मेरा नाम गुलाम मुश्तबा है, मैं भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज अ लैब असिस्टेंट हूँ। आज हमारी ट्रेनिंग हुई फर्स्ट एड के हवाले से, सर बदर मुनीर से हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, स्पेशली जो आज हमने सीखा है इंसिडेंट और एक्सीडेंट में जो फ़र्क था वो हमने क्लियर किया आज, हैज़र्ड और रिस्क को देखा वो क्या चीज़ है, और सबसे पहले तो ये जो चीज़ पड़ी है फायर एक्सटिंग्विशर, इसके बारे में हमने देखा इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, पढ़ी तो देखी तो हमने पहले भी है लेकिन इसकी जो गेजेस थी उसके बारे में हमें आइडिया नहीं था, और सर की क़यादत में हमने ये चीज़ें क्लियर की। थैंक यू सर। आगे, मेरा नाम हमजा नवाज है और मैं इधर लैब सुपरवाइज़र हूँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और आज हमने सर बदर के थ्रू लर्न किया है फायर सेफ्टी के बारे में और काफ़ी चीज़ें हमने इनसे लर्न की हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ करना है, और इसके अलावा फ़र्स्ट एड किस तरह हमने अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो किस तरह देनी है। ठीक है, मेरा नाम असरफ तखार है, आज हमने सेफ्टी की ट्रेनिंग ली है, तो इसमें हमने एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बारे में सीखा है, हैजर्ड्स को कैसे हमने असेसमेंट करनी है उसकी, और इसके अलावा हमने फर्स्ट एड के बारे में सीखा है, और उसके अलावा ये हमने जो फायर अभी ये ड्रिल भी हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ईशान है और मैं भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से हूँ, इधर लैब असिस्टेंट के तौर पर जॉब करता हूँ, और आज हमने सर बदर से हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से सीखा है कि किस किस हैज़र्ड को किस किस तरह असेस्ट करना है, और रिस्क क्या है, हैज़र्ड्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स सीखी हैं, और हमने फायर के हवाले से उसमें सीखा है और फर्स्ट एड बॉक्स के हवाले से सीखा है कि किसी भी जो हैज़र्ड जहाँ पे इंजर कोई हो जाता है तो उसको फर्स्ट एड कैसे देनी है, और उसको फर्स्ट एड में क्या उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे कैसे उसको फर्स्ट एड देनी है, और अभी हम यहाँ पर ग्राउंड में आए हैं जो प्रैक्टिकली करने के लिए फायर एक्सटेंशन का। जी आगे जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सर हुसैन है, मैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लैब असिस्टेंट हूँ, और आज हमारी ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग में हमने रिस्क असेसमेंट मेजरली और फैक्टर्स देखे हैं, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि हम किसी भी साइट के ऊपर या अपने यूनिवर्सिटी में रहते हुए किस तरह के हैज़र्ड्स हमें आ सकते हैं, और हम किस उन हैज़र्ड से किस तरह बच सकते हैं, किस तरह के एक्सीडेंट हो सकते हैं, और हमने उन एक्सीडेंट से कैसे बचना है, और ये हमारे सर बदर साहब उनकी ट्रेनिंग की हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी हम थोड़ी देर में ड्रिल करेंगे जिसमें हम फायर एक्सटिंग्विशर्स को चलाना सीखेंगे, और हमने काफ़ी चीज़ें आज सीखी हैं। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम, जी मोहम्मद अली फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो द थिंग विच आई हैव लर्नड बेसिकली इज 24 आवर सेफ्टी इन आवर लाइफ। सो बदर साहब ने जो बातें बताई वो क्वाइट इंफॉर्मेटिव थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल लाइफ में हम नहीं सोचते वो आज की एटलीस्ट इस ट्रेनिंग में हम सोचने पे मजबूर हो गए, और उम्मीद है कि इस तरह की ट्रेनिंग और चलेंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वेलकम सर। सर प्लीज़ आप भी बताइएगा।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर दराज अहमद है। आज हमने एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर जो है वो एक सेमिनार जो है वो अटेंड किया है। ट्रेनिंग थी ये बेसिकली, तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो कि टेक्निकल थिंग्स हैं, रिस्क है, इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है, उनकी जो डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, मतलब ये है कि हमने चीज़ों को देखा। उसके अलावा हमने अपनी बिल्डिंग का, ख़ास तौर पे E2 बिल्डिंग का ये देखा कि जो एग्ज़िट प्लान है, एमरजेंसी एग्ज़िट प्लान है, वो कैसे है। और आज हमने ये भी सीखा कि कहाँ पे जो है वो हमारा असम्बली पॉइंट जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ फायर्स को देखा, और स्पेसिफ़िकली ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स जो कि मोस्टली 80% यूज़ हो रहे हैं, ड्राई केमिकल पाउडर वाले, DCP वाले, और CO2 जो कि इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए स्पेसिफिक है, हमने उसको देखा। और अभी जो है वो हम यहाँ पे आए हैं और एक जो है वो मौकअप देखेंगे कि फायर को हम कैसे जो है वो बुझाएंगे। थैंक यू। वेलकम सर। सर प्लीज़। मेरा नाम जाहिद अहमद सिद्दीकी है, मैं प्रोफेसर हूँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो आज हमने सेफ्टी के मुतालिक, मतलब वर्क प्लेस सेफ्टी, जहाँ हम काम करते हैं उस पे हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, अपने जो साथ कोलीग्स हैं उनको कैसे सेफ रख सकते हैं, और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको किस तरह सेफ रख सकते हैं, उनकी पूरी एक स्टेप बाई स्टेप बदर साहब ने एक्सप्लेन किया कि कैसे SOPs होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें, फिर इवैक्यूएशन प्लान, और कहाँ हमने असेंबल होना है, और पूरे के पूरा जो रिस्क है उसको किस तरह आपने टैकल करना है, और फिर बल्कि यहाँ तक भी कि उसके बाद अगर कोई फ़र्स्ट एड की ज़रूरत अगर खुदा न खास्ता किसी को पड़ती है, या फायर का कोई इंसिडेंस होता है, तो उसको हमने कैसे डील करना है। तो इसमें हमारे स्टूडेंट भी शामिल हुए इस ट्रेनिंग में, और स्टाफ के लोग भी, और टीचर्स भी जितने भी फ्री थे सब इसमें शामिल हुए। और इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं सेफ्टी डिपार्टमेंट, बदर साहब, उनके जितने भी कोलीग्स यहाँ पे आए, और हमें ये बहुत अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया और ट्रेनिंग दी, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये वाकई हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इससे आगे के जो तफसील से ज़्यादा जो डिटेल में होंगे वो भी सेमिनार और ट्रेनिंग्स हमारी चलती रहेंगी। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। वेलकम सर। सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर फारूक, एंड आई एम लेक्चरर हियर एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और टुडे जो हमने अटेंड की है सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड जो हमने मेजर्स लेने हैं, उसकी एक पूरी जो एक ट्रेनिंग दी गई है बदर साहब की तरफ से। इट वाज क्वाइट हेल्पफुल फॉर अस, फॉर फैकल्टी मेंबर्स एज वेल लैब स्टाफ मेंबर्स, और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स भी साथ इसमें इन्वॉल्व थे। कुछ जो मुझे पर्सनल लेवल पे कि मुझे कुछ एक दो मैंने पहले ये ट्रेनिंग्स पहले ली हुई हैं, तो लेकिन एक तरह से रिफ़्रेशमेंट मेरे लिए अच्छी थी कि मेरा एक नॉलेज रिफ़्रेश हुआ, और कुछ जो चीज़ें जो मिसिंग भी थी, जैसे कि रिस्पांस कैसे करना है कि आप फर्स्ट एड को आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो, तो हाउ टू बेसिकली रिस्पॉन्स इन दैट सिचुएशन, और फायर एक्सटिंग्विशर्स को भी डील किस तरह करना है, क्योंकि हम ये चीज़ देखते हैं, अब परफॉर्म करके भी देखेंगे अपने हाथ से भी, तो ये एक बेहतर एक प्रैक्टिकल जब तक आपको सॉल्यूशंस या आपको जो चीज़ करने को मिलती है वो आपको याद रहती है, आपकी लाइफ में आपके साथ चलती है। एंड आई एम थैंकफुल टू बदर साहब एज वेल कि उन्होंने आपको हमें ख़ास तौर पर कुछ असेंबली पॉइंट्स और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी कुछ जो हमें गाइडलाइंस दी हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इरफान अहमद भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो आज का जो मेरे कोलीग्स हैं, काफ़ी सारा इस जो हमारी जो मीटिंग हुई, जो हमारी सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ, इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है। तो एक दो बातें मैं जो मुझे बड़ी पसंद आई इस सेमिनार में, कि बदर साहब के साथ इंटरेक्शन हुआ, और फिर आंसरिंग एंड क्वेश्चनिंग, ये बड़ा एक अच्छा सेशन रहा जिससे काफ़ी सीखने को मिला।
तो उसके बाद जो दूसरी बात है कि हम लाइव ड्रिलिंग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस करेंगे इंशाल्लाह फील्ड में, तो ये बड़ी अच्छी बात है। सम टाइम होता है कि आप सेमिनार अटेंड कर लेते हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है, तो हमारा बेसिक जो हमारा गोल है वो भी कभी गोल है जी कि आउटकम बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस से ही असेस होती है। तो अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू बदर साहब एंड द यूनिवर्सिटी एज वेल एंड दे आर ऑर्गेनाइजिंग सच सेमिनार्स। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड माई डेस्टिनेशन इज़ लैब असिस्टेंट। तो आज सरबद्र मुनीर साहब ने हमें कुछ ट्रेनिंग्स दी हैं सेफ्टी से रिलेटेड, तो इससे हमने ये सीखा है कि ड्यूरिंग वर्क और जो स्पेशली अगर हम लैब में काम कर रहे हैं तो लैब में वर्क के दौरान अगर कोई हैजर्ड इंसिडेंट या एक्सीडेंट वाकया हो गया तो उसको हमने कैसे टैकल करना है, और डिफरेंट टर्म्स हमने सीखी हैं कि जैसे कुछ चीज़ें हमें नहीं पता थी इससे पहले, हमने डिफरेंट ट्रेनिंग्स तो ली हैं लेकिन कुछ चीज़ें हमारे लिए नई थी, कुछ चीज़ें हमने सीखी थी, तो बहुत कुछ हमने सीखा और ये हमारे लिए काफ़ी जो थी हेल्पफुल ट्रेनिंग थी। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ मिसम अब्बास सलीम, आई एम स्टूडेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आज जो हमारी जो सेमिनार हुई थी हेल्थ और सेफ्टी के रिलेटेड, तो इसमें हमने ये सीखी कि जब भी कोई डिज़ास्टर आती है या कोई भी इमरजेंसीज होती है उससे हमने कैसे जो है वो टैकल करनी और अपने आप को सेफ जगह पे कोई भी जो है वो एनवायरनमेंट मिले वहाँ पे जाने, और इसमें आज हमने जो है वो फर्स्ट एड पे भी जो है वो हमने सीखी कि कैसे फ़र्स्ट एड हमने देनी है लोगों को और ख़ुद भी कैसे सेफ होनी है इससे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज हमने बदर साहब से ये सीखा कि हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बदर साहब ने हमें बताया कि हमें पहले तो कोई इतना इलम नहीं था सेफ्टी के बारे में, तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा, कोई एक्सीडेंट हो या कोई इंसिडेंट हो तो वहाँ पे फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है। तो ये हम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अज़ान है, मैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और आज हमारा सेफ्टी सेमिनार था, बदर साहब ने इसको लीड किया है और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है जिससे हमें आगे फील्ड में बहुत फ़ायदा होगा, जिससे हम किसी भी इंसिडेंट में खुद भी इंडिविजुअली भी हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स की भी। और क्वेश्चन आंसर का सेशन बहुत अच्छा था, हमारी इंफॉर्मेशन बहुत इजाफा हुआ। जजाक। और हैं आप, बच गए, आप हो गए? अच्छा चलें, थैंक यू। थैंक यू।